జోషిమట్లో ఎవర్ని కదిలించినా కన్నీటి పర్యంతం అవుతున్నారు. సొంత ఇంట్లో ఉండలేరు, అలాగని వదిలిపెట్టలేరు. బీటలు పడ్డ ఇళ్ళను ఖాళీ చేసినా కొందరు మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి చూసుకుంటున్నారు. మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి రాజు అందిస్తారు. జోషిమట్లో ఎవర్ని కదిలించినా సరే కన్నీటి పర్వంతం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. సో మనతో ఏదైతే ఇంటిని వదిలి వెళ్లి షట్టర్లో ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇల్లు ఏ విధంగా ఉంది, ఆ ఇంట్లో పరిస్థితులు ఏంటి, ఏమైనా సామాన్లు ఉన్నాయా తీసుకెళ్దామనే ఆలోచనతో వచ్చినటువంటి ఒక లేడీ ఉన్నారు. ఆవిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మేడం ఆప్ బతాయే, ఆప్కా ఘర్ ఇస్కో మందిర్ భీ బోల్ సక్తే క్యో బోల్తే ఆప్ పహలే సే ఇధర్ హీ రహతే, సో అభి యే ఛోడ్ కే జా రహే, అభి కైసే లగ్ రహా? बहुत बुरा लग रहा भैया, छोड़ने का मन नहीं कर रहा, बार बार यहीं आने का मन कर रहा है. क्या है, इंसान की मजबूरी है. यहाँ पे 2 तारीख को रात में मकान में भूत साहू का बहुत ज्यादा आवाज आई है, लोगों ने भगदड़ मचाया, होटल टूट गए, सब लोग अगल बगल वाले बाहर आए. मैं भी अपनी 6 महीने की बेटी लेके बाहर आई. मुद्रा लोन कोसम एनो बैंक तिरिगी अलिसिपोयारा? सुलभंगा 10 लक्षल मुद्रा लोन एला पोंदालो तेलुसुकोवडानिकी इप्पुडे फ्रीडम ऐप नु डाउनलोड चेसुकोंडि. उस दिन से हम समझो रोड में हैं, तो वहाँ नगर पालिका में हमको एक एक रूम तो मिला हुआ है, पर यह है कि सामान है वहाँ पे, सास है, ससुर है, सब एक कमरे में एडजस्ट हो रखे. हमारे यहाँ पे यह है कि सास ससुर जेठ जी अलग अलग कमरे में रहते हैं. आज हमको ये दिन देखने के लिए मिल रहा है कि एक ही रूम में एडजस्ट होना पड़ रहा है, इंसान की मजबूरी है. हम तो सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमको 1 टाइम सेटलमेंट कर दो, हम अपने जहाँ भी जाने की इच्छा हमारी हम चले जाएंगे. घर की हालत देख के आप अभी आ रहे होंगे कि वहाँ पे जब घर की बुनियादी पक्की नहीं है तो घर कैसे सुरक्षित होंगे. बरामदा टूट गया है, सामान बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे. ऐसी परिस्थिति में बहुत परेशान है, मौसम भी खराब है. यहाँ पे रात में टेम्परेचर 0 माइनस में चले जाता है, इतनी ठंड है. वहाँ पे न किसी चीज की व्यवस्था, कभी पानी नहीं आ रहा है, छोटे बच्चे के साथ कितनी प्रॉब्लम है दूध गर्म करने की, कभी गैस नहीं है, कभी कुछ नहीं है. तो बड़े लोग तो जैसे वैसे एडजस्ट कर लेंगे, पर 6 महीने की बेटी को कौन समझाएगा. वो तो एक दूध मुही बालक है, उसके बारे में तो क्या बोलना है. अभी आप घर के तरफ फिर आ रहा देखने के लिए आ रहा, कुछ सामान है क्या ले जाने के लिए आ रहा है, क्या कर रहे हैं अभी? तो मैं थोड़ा बहुत, मेरी छोटी बेटी के कपड़े थे, मैंने कहा मौसम खराब है, जैकेट जुकेट होगा, मैं लेके चले जाती हूँ. यहाँ पे आना नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डेंजरस एरिया माना जा रहा है, सीज किया गया. फिर भी मैंने बोल बाल के उनको मैंने कहा थोड़ा गर्म कपड़े हैं, मौसम खराब है, तो मैं लेने आ गई. अभी मैंने कहा लेके आती हूँ, शाम का कोई भरोसा नहीं, बर्फ पड़ सकती है, 3-4 फीट बर्फ पड़ जाती है यहाँ पे. तभी भी हम लोगों तो आदत है, हम सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं परिस्थिति में, पर अपना घर तो अपना घर होता है. आज हम बेघर हो रखे हैं, रोड में उतर रखे हैं, कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बहुत दुखी है भैया हम तो. अभी वहाँ जाने के बाद आप पका रहे हो, आपका खाने के लिए क्या कर रहे अभी वहाँ पे? तो अभी नगर पालिका ने वहाँ पे खाने के लिए व्यवस्था, पर कब तक होगा ऐसे, कब तक खाएंगे हम? हमारे हमारे सर के ऊपर से तो छत नहीं है. अब खाना तो एक जानवर को भी जैसे दिया जाता है वैसे तो खा ही लेंगे, कोई बात नहीं है. पर यह है कि हम सरकार को कह रहे हैं कि हमारे आज के बारे में तो मत सोचो, हमारे भविष्य के बारे में सोचो. आज तो हमारा जैसे वैसे हम अपना दिन काट लेंगे, पर कल के दिन हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमें ये चिंता है. हम तो जैसे वैसे, हमारा जीवन तो वैसे भी बर्बाद हो चुका है, पर हम उनको बर्बाद नहीं होना देखते थे. छोटा बेटा भी है. हाँ. आप बोलो बेटा, अभी आपका घर छोड़ के गया, अभी कैसे है वहाँ, अभी कैसा लग रहा? अब बहुत गंदा लगता, यहाँ अच्छा लग रहा था. अभी घर तो पूरा टूट जा रहे, क्रैक्स आ रहे. हाँ. कैसे लग रहा आपको? मुझे तो बहुत गंदा लग रहा है. गंदा है, ठीक है. देखो ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను చూస్తుంటే నిజంగా ఈ కుటుంబం కావచ్చు, ఈ ఫ్యామిలీ కావచ్చు, పిల్ల పాపలను చేతిలో పెట్టుకొని సొంత ఇళ్ళను వదిలేసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అంతేకాదు షెటర్లలో ఉంటే కూడా అక్కడ చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. సో దీనికి ఒక శాశ్వత పరిష్కారం అనేది ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళలు, ప్రత్యేకంగా తల్లులు కోరుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కెమెరా పర్సన్ అనుదీప్తో కలిసి రాజు, ఎన్టీవీ. ముద్రా లోన్ కోసం ఎన్నో బ్యాంకులు తిరిగి అలసిపోయారా? సులభంగా 10 లక్షల ముద్రా లోన్ ఎలా పొందాలో తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడే ఫ్రీడమ్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.